नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉनिक सेक्शन ऑफ द कॉनिक 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमारा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 9। ये दो हमारा कॉनिक है, ठीक है, ये हमारा दो कॉनिक है, इसमें हमें फाइंड करना है कि दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्ट करने के लिए हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको हम कंप्लीटली को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, राइट। इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया ये इक्वेशन को, तो इक्वेशन आ गई हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों जो इलिप्स की इक्वेशन, इन दोनों इलिप्स की इक्वेशन को हम ड्रॉ करेंगे, तो हमें पता है कि जो इंटरसेक्सिंग पॉइंट होगा वो माइनस ए और प्लस ए पे होता है, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर ए अपॉन जो हमारा होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो ये इंटरसेक्सिंग पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है। तो 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 और पॉजिटिव 1 अपॉन 2 पे हमारा इंटरसेक्ट करेगा, तो हम इसको इस तरह से इंटरसेक्ट करा सकते हैं। ये मैं पहला इलिप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा इंटरसेक्शन देगा माइनस 1 अपॉन 2 पे और 1 अपॉन 2 पे, ठीक है। उसी तरह इसका जो हमें बी जो होगा ये हमें देगा 1 अपॉन 3 पे और माइनस 1 अपॉन 3 पे, क्योंकि हमारा जो बी स्क्वायर है वो कितना है 1 अपॉन 9 है। अब उसके बाद मैं दूसरा अगर ड्रॉ करूं, अगर मैं दूसरा एलिप्स ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हमारा ए जो होगा हमारा कितने पे कट होगा 1 पे कट होगा, तो 1 हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ये 1 हमारा कुछ इस तरह से आएगा, और 2 जो है हमारा ये 2 पे कट करेगा। अगर मैं इसको कंप्लीटली ड्रॉ करूं, एक रफ डायग्राम के लिए मैं अगर ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं इसको रफ डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये 2 और ये -2 पे कट होगा और ये 1 और ये -1 पे कट होगा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि दोनों इलिप्स जो है कहीं पे भी कट नहीं किया, दोनों इलिप्स का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो हमने दोनों को ड्रॉ किया तो दोनों में कहीं कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, जो येलो वाला हमारा इलिप्स है और व्हाइट वाली इलिप्स है ये एक भी पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट।